आज आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के एक कल ही निर्देश मिला पूरे प्रदेश में बजरी माफियाओं के खिलाफ स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग टोल मुक्त किए जाए, इन मांगों को लेकर जिन मुद्दों से अपने आरएलपी पार्टी का गठन हुआ उन मुद्दों में हमारे मुख्य मुद्दा टोल मुक्त राजस्थान का शुरू से रहा है और पिछले कई दिनों से बजरी माफियाओं का आतंक प्रदेश में इस तरह फैला हुआ है कि एक ही समूह को सरकार अपने नुमाइंदे को वेद बजरी के नाम से ठेका देके और ठेकेदार ने अपने हर क्षेत्र में अपने अपने गुंडे बिठा दिए। आम जन किसान गरीब अगर कोई अपना रहने के लिए घर बनाने की सोचता है और वो बजरी लेने की बात करता है तो उसे कई बार सोचना पड़ता है। आपने देखा होगा जहां भी जितने भी राजस्थान में इस घोंगी बेरी सरकार के फरमानों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाने का काम किया है, इस प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं, केवल आरएलपी और आरएलपी के तीनों विधायक, आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और आप सब कार्यकर्ताओं ने इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का और विपक्ष में मजबूती से अपनी बात रखने का काम किया है। बजरी जो 15 से 20 हजार में 45 टन बजरी आया करती थी, अब बजरी पे 600 रुपए टन रॉयल्टी के नाम से और वेद बजरी के नाम से आम जन को सरकार के नुमाइंदों द्वारा लूटा जा रहा है और सरकार की मिलीभगत की वजह से लूटा जा रहा है। सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारियों का इसमें कुछ हिस्सा वो हिस्सेदार है, इसलिए इस प्रदेश में ऐसे ऐसे बजरी माफियाओं को छोड़ रखा है जिससे आम आदमी के घर बनाने का सपना साकार होने में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब को मकान बनाने के लिए नरेगा सहित सरकार से मिलते हैं, अगर उसमें इस तरह से बजरी की यही रेटे रही तो क्या वो मकान बना पाएगा गरीब आदमी? ऐसे टोल जब रोड टैक्स देते हैं, जब नई गाड़ी खरीदते हैं, डीटीओ में कागज बनाते हैं, पूरा टैक्स जमा करवाते हैं, लाखों रुपए टैक्स जमा होता है, शेष देते हैं, अपन डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, इस पे कितना टैक्स जाता है आप सबको पता है, फिर भी ये टोल टैक्स किस बात का? अपनी आरएलपी पार्टी की शुरू से यही मांग रही है, रोड टैक्स देंगे तो टोल टैक्स नहीं देंगे। एक ही टैक्स बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कि ये होना चाहिए। सरकार गहलोत साहब वादा करके आए कि हम एकदम पारदर्शी सुशासन देंगे, क्या गहलोत साहब आपका यही सुशासन है? इससे पारदर्शी क्या होगा जो चौराहे पे खुले आम जन को लूटने के लिए अपने अपने नुमाइंदे छोड़ रखे? ये कोई अभी चेनाराम जी बता रहे थे ये कोई अमर पट्टा नहीं है, समय निकल गया है। मेरे नौजवान साथियों, आरएलपी के मजबूत कार्यकर्ताओं, हमें इन बजरी माफियाओं के खिलाफ और इन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ गांव गांव ढाणी ढाणी खेत में बैठे हर एक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाना है कि ये सरकार आम जन के हितों पे कुटाराघात करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया।
पूरे 5 साल एक मंत्री, कोई मंत्री बनना चाहता है, एक मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है, दूसरा बनने के लिए भागदौड़ कर रहा है। केवल दो ही बातें पूरे 5 साल में अपने को देखने को मिली, पूरी सरकार कभी होटल